मजेदार सी बारबेक्यू बिरयानी तैयार है। उम्मीद करती हूँ आपको ये मेथड पसंद आएगा और आप लोग इसको जरूर ट्राई करेंगे। बहुत ही प्यारा कलर है। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय कुकिंग चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे और रमज़ान का सेकंड अशरा शुरू हो चुका है, तो इस हवाले से आज मैं चिकन बारबेक्यू चिकन बिरयानी की रेसिपी लेके आई हूँ। तो देखते हैं कि रेसिपी में किन किन चीज़ों की ज़रूरत है। तो सबसे पहले जो हमें चाहिए चिकन बारबेक्यू रेसिपी के लिए, सबसे पहले मैंने ये चावल बॉयल कर लिए हैं नमक डाल के, और उसके बाद ये हाफ के जी की चिकन है, इसे मैंने धो के खुश्क कर लिया है। इसका पानी आपने अच्छी तरह इसका पानी खुश्क कर लेना है। उसके अलावा ये एक अदर टमाटर है और ये अदरक लहसुन का पेस्ट है 2 चम्मच, प्याज है एक छोटा मीडियम प्याज, दही है 1 प्याली, ये टमाटर और लीमू है गार्निश के लिए, उसके बाद ये पुदीना और सब्ज़ धनिया है, 3 सब्ज़ मिर्चें हैं, तो ये कड़ी पत्ता है और ये मेरे पास बिरयानी मसाला है। इसमें मैंने हल्दी मिर्चें और दूसरे मसाले मिक्स कर लिए हैं। उसके अलावा 1 चम्मच सूखा धनिया, 1 चम्मच सौंफ है, मेरे पास दालचीनी है तकरीबन 2-3 पीसीज हैं, इसको मैंने तोड़ लिया है, और ये मेरे पास काली मिर्चें, ये सब्ज इलायची और ये बड़ी इलायची है, ये मेरे पास 4 अदद लौंग हैं और आधा चमचा ज़ीरा है। तो शुरू करते हैं। मैंने ये चावल उबाल लिए थे, ये तकरीबन 400 ग्राम मेरे पास चावल है, तो उस हिसाब से मैंने ये सारा कुछ लिया है कि मैंने चावलों का हिसाब रखा है। तो अब बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले चिकन को मैरिनेट करते हैं। 1 चम्मच बिरयानी मसाला, इसमें मैंने सुर्ख मिर्च डाली हुई है, 1 चम्मच दही, ये 2 चम्मच दही डाली है, 2 चम्मच दही डाली, इसके अलावा ये आधा चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट है। अब मैं इसके अंदर ये चिकन डालने लगी हूँ। इसके ऊपर मसाला लगा लिया है, अब इसको मैं थोड़ी देर रख देती हूँ 10 से 15 मिनट, तो ये मैरिनेट हो जाएगा, उसके बाद इसे पकाना शुरू करेंगे। जी तो सौंफ धनिया और जीरा को मैं अलग कर लेती हूँ, इनको भून लेना है अच्छी तरह, और भूनने के बाद मैं इसको ग्राइंड कर लूँगी। भूनने से ये होता है कि इसका टेस्ट अच्छा आता है, थोड़ा सा खुशबू आने देनी है ज़ीरा की, ज़ीरा जब खुशबू देने लगे तो उसके बाद इसको मैं बंद कर दूँगी। जी ये हो गया। ये मैंने कोयला रखा है, इसका धुआं देना है बारबेक्यू के लिए। आपको पता है बारबेक्यू में कोयले का होना बहुत ज़रूरी है, तो ये अच्छी तरह हो जाए। अब ये जो बिरयानी मसाला था मैं ये इसमें शामिल कर देती हूँ। खुशबू आई, चिकन मैरिनेट हो गया है। अब मैंने ये ऑयल लिया है 1 प्याली, लेकिन मैं ये सारा यूज़ नहीं करूँगी, इतना सा मैंने चिकन के लिए यूज़ किया है। तो ये जो चिकन मैरिनेट हो चुका था मैं इसके अंदर डालती हूँ। मैंने इसमें दही यूज़ की थी, इसलिए ना सिरका यूज़ किया है ना ही लेमन जूस। अगर आप लोग यूज़ करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। लो फ्लेम कर देनी है आपने तकरीबन 3 से 4 मिनट। तो ये चिकन अच्छी तरह तैयार हो गया है, इसका बहुत ही प्यारा कलर आया है आपके सामने है। अब मैं इसे थोड़ी देर और फ्राई करती हूँ। इसको रखा, और अगर आपके पास एलुमिनियम फॉइल नहीं है तो आप ये तरीका भी कर सकते हैं। और उसके बाद मैं इसके ऊपर डालूंगी, ये बिल्कुल थोड़ा सा ऑयल। ये हमारा बारबेक्यू दम है, तो मैंने ये ऑयल लिया, इसके अंदर डालूंगी मैं। इसके अंदर ये प्याज डालती हूँ, मैंने एक छोटा मीडियम प्याज लिया था। प्याजों को लाइट गोल्डन ब्राउन करना है आपने, ज़्यादा नहीं करना,
ये ब्राउन हो गए हैं। अब मैं इसमें डालती हूँ ये अदरक लहसुन का पेस्ट। ये ब्राउन हो गया है, अब मैं इसके अंदर ये एक कदर टमाटर डाल रही हूँ सॉस किया हुआ। फिर मैंने मसाला तैयार किया था, दो चम्मच डाल दी मैंने। फिर मैं इसके अंदर दही डाल दी। तकरीबन 3 चम्मच दही डाली है मैंने। अब इसको भून लेते हैं। इसके अंदर मैंने सब्ज़ धनिया और पुदीना डाला है। इस तरह कट लगा के सब्जी इसके डालनी है, ऐसे कट लगाने हैं और इसको फ्राई कर लेंगे। टमाटर मैश होने देने हैं इसी तरह। ये फ्राई हो रहा है, मैं इसके अंदर थोड़ा सा पानी डाल देती हूँ। साथ ही मैं ये जो मैंने चिकन तैयार किया था मैं इसको डाल देती हूँ। टाइम टेकिंग है लेकिन बहुत ही ज़बरदस्त बिरयानी होती है। अब हम चावल डालते हैं और इसको दम लगाते हैं, इसको साइड पे कर लेते हैं जी। तो बारबेक्यू के लिए हमने पहले चावल डाला है और अब उसके ऊपर चिकन डाल रहे हैं। आपने चिकन को नीचे नहीं रखना बारबेक्यू बिरयानी में। ये इसका असल तरीका है, अगर आप लोग इसी तरीके से बनाएंगे तो बहुत ही ज़बरदस्त बनेगी जी। तो मैं इसको सेट कर लेती हूँ, बाकी के चावल डालती हूँ। जो मैंने प्याज अलग किए थे अब मैं इसके अंदर वो डालने लगी हूँ। अब इसके ऊपर मैं ये थोड़ा सा हरा धनिया और पुदीना, ये मेरे पास केवड़ा एसेंस और ये जर्दा कलर, मैंने ये इसके अंदर डाला, मिक्स किया। मैं इसको यहीं पे डाल देती हूँ। तो अब मैं इसको दम दे देती हूँ बिल्कुल ही हल्की आंच पे। अगर आपका बर्तन हैवी बॉटम नहीं है तो आपने इसके नीचे तवा रखना है, अदरवाइज ये ऐसे ही ठीक है। अब तकरीबन 5 से 10 मिनट इसको दम आएगा और बिरयानी रेडी है। मज़ेदार सी बारबेक्यू बिरयानी तैयार है। अब हम इसको चेक करते हैं। दम मैंने उठा लिया है। हर चीज बैलेंस में है, बहुत ही जबरदस्त है। इसकी जो बारबेक्यू की खुशबू है वो पूरी बिरयानी में रच गई है। मज़ेदार सी बारबेक्यू बिरयानी तैयार है। उम्मीद करती हूँ आपको ये मेथड पसंद आएगा और आप लोग इसको ज़रूर ट्राई करेंगे। बहुत ही प्यारा कलर है और चिकन का टेस्ट और कलर भी बहुत ज़बरदस्त है। तो ज़बरदस्त सी चिकन बिरयानी, बारबेक्यू चिकन बिरयानी तैयार है। उम्मीद करती हूँ ये रेसिपी आपको पसंद आई होगी, इसका मेथड और तमाम इसके अंदर जो मैंने चीज़ें डाली हैं वो आप लोगों को बहुत ही समझ आ गई होगी। और मुझे इजाज़त दीजिए, आप लोग अपना ख्याल रखिए, मेरे लिए दुआ गो रहिए और जहाँ हो अल्लाह ताला आप लोगों का हामी नासिर हो। मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।